मुख्य आवास, मुखिया तेरा शो ने आदि बलोचिस्तान की मुस्लिम लीग नून की मरकजी क्यादत और मुस्लिम लीग नून के तंजीम के बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मुझे रास्ते में शेख अब्दुल कादिर बलोच साहब जो मेरे बुजुर्ग है, मेरे लिए बहुत मुकर्रम भी है, उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि हमारे जो तंजीम के उम्मीदवार हैं वो इस बात पे नाराज होते हैं कि मरियम नवाज क्वेटा आई और हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप मुझे उनसे मुलाकात के लिए ले जाएं। मुझे आपसे मुलाकात करके आज आपके दरमियान आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और खसूसन जो क्वेटा से मेरी इतनी बड़ी तादाद में ये बहनें जो उम्मीदवार हैं, ये जो सामने बैठी, मैंने सुना है कि क्वेटा में खवातीन ज्यादा सामने नहीं आती, लेकिन ये तो कुछ और ही मंजर पेश हो रहा है। तो मैं अपनी सब बहनों को, बेटियों को अपना मोहब्बत भरा सलाम पेश करती हूँ। पिछली बार भी जब मैं क्वेटा आई तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने बल्कि क्वेटा के अवाम ने मुझे जिस इज्जत, मोहब्बत और शफकत से नवाजा था वो मैं आज तक भुला नहीं सकती। और अब भी जिस तरह से आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत शक्कत मेरे पे निशावर की, मैं सारी जिंदगी कल जलसा इंशाल्लाह ताला पीडीएम का इंशाल्लाह। मेरी थोड़ी सी आप सबसे ये गुजारिश की, बेटा क्या थोड़ा सा नीचे हो जाए, आप बेटा आप भी थोड़ा जिन जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीदवार कारकुन पूरे क्वेटा से, आस पास के शहरों से जरूर जलसे में शिरकत करें, क्योंकि उस जलसे का जो मकसद है, आपके जो लीडर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने गोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया है, उस नारे की अब अमली शक्ल इख्तियार करने का मौका आ गया है। उन्होंने बीमार होते हुए, मुल्क में ना होते हुए भी उन्होंने एक जिद्दोजहद का आगाज किया है, और उसमें उन्होंने सिर्फ अपने कारकुनों को आगे नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी मरियम नवाज को आपकी सफ में खड़ा किया। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर सूबे में जिस तरह अपनी बहन, अपनी बेटी मरियम नवाज को जिस तरह से जो अकीदत, मोहब्बत का और सपोर्ट का मुजाहरा किया है, आप यकीन करो मुस्लिम लीग नून के मेरे जाबाजों, मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने वाले और अपने भाइयों की कमी का एहसास नहीं। और अब जबकि इस जिद्दोजहद का अमली तौर पे आगाज हो गया है, अभी सिर्फ गुजरांवाला और कराची का जलसा है, तो इस इंतजामी हुकूमत का ये हाल है। अब जब कल क्वेटा का जलसा होगा तो यहाँ क्या होगा? इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के, इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के दिन थोड़े, आप लोग अपने इरादों को पुख्ता कर लें, आप लोग ये वादा करें कि नवाज शरीफ ने जब आपकी खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर,
आपके हक के हुक्मरानी की खातिर इस महंगाई से इस जाली हुकूमत और जाली वजीर आजम की नालायकी की वजह से जो आप पर मुश्किलात आई हैं, जिस तरह आपके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, ये खवातीन जानती है मैं क्या कह रही हूँ, जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ। महंगाई ने कितना मुतासर किया आप सबको, मुझे इल्म है इस बात का, मुझे अफसोस है इस बात का कि आज आप लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि अपने घर में बच्चों को रोटी दें या अपने बीमार वालिदैन या बीमार जो आपके घर में अफराद हैं उनको दवाइयां दें या फिर बिजली और गैस के बिल दें। एक चीज आप करते हैं तो दूसरी चीज के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, मुझे आपकी तकलीफ का अच्छी तरह एहसास है। और दुआ करो मेरे भाइयों और बहनों, दुआ करो कि इस जाली हुकूमत से हमें और अवाम को जल्दी निजात मिले ताकि मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताकि आपके दिलों का जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, आपका जो शेर बिन लीडर है नवाज शरीफ, वो वापस आए अल्लाह ताला की करम नवाजी से इंशाल्लाह वो आके अपनी जिम्मेदारियां संभाले और आपको इस ना अहल और नालायक हुकूमत से अल्लाह ताला निजात दे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का पाकिस्तान के आईन का मैसेज न सिर्फ बलोचिस्तान के हर शहर में हर कोने में पहुंच चुका है बल्कि पाकिस्तान के पूरे अर्ज पे पहुंच चुका है। तो मेरे साथ हाथ उठा के वादा करो कि इस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ का साथ दोगे, अपने वोट की इज्जत करवाओगे और अपने अलावा किसी को हुक्मरानी करने का हक नहीं दोगे। और कल के जलसे में जौक दर जौक इंशाल्लाह शरीक होकर इस जाली हुकूमत, इस सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टर्स को ये पैगाम दोगे कि तुम्हारी हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। जो आपने अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के हुकूमत बनाई थी उस हुकूमत के जाने के दिन करीब आ चुके हैं। ये वादा करते हो ना, अगर आपको इस्लामाबाद की कॉल दी गई तो आओगे ना, वादा करती बहन के साथ अपने हक के लिए खड़े होगे ना। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।